दिन चलते रहा मैं इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उन पे किन किन चर्चा हो रही है जैसे मैंने जी हां ये पीछे हो गया लाभ पार्टी को मिल सके और अलग अलग समिति की रिपोर्ट कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा क्या मीटिंग में हुई अलग अलग राज्यों में चाहे वो कर्नाटक हो मध्य प्रदेश हो राजस्थान यहाँ पर ऐसी ताकतें जो लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती हैं उन ताकतों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा ये भारत के भविष्य के लिए कोई अच्छे शुभ समाचार नहीं है और मैं तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति तो मुद्दों आधारित है आज हमारा जो चिंतन चल रहा है उसमें हम अलग अलग समितियों के माध्यम से देश में चर्चा करें और भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे हो गए उसके विपरीत हम लोग क्या बेहतर विकल्प दे सकते हैं कांग्रेस के माध्यम से उस पर हम चिंतन सर राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कोई भी अपने कानून को अगर होने का काम करता है वो व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो किसी विचारधारा का हो किसी दल का हो किसी धर्म का हो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं है कानून अपने हाथ में ले और जहाँ पर भी ऐसा किया गया है प्रशासन सरकार सख्ती से सुनाई है सचिन जी नेताओं से किस तरह का कर्ज चुकाने की अपेक्षा की है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने जो बोला है वह कहा कि अब चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए है और हम सब लोगों को सामूहिक संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इस दिशा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनावों को कांग्रेस जीत सके इस काम को कारगर करने के लिए जो कुछ इस व्यक्ति को करना चाहिए उसमें नौजवान भी हैं अनुभवी नेता भी हैं और हम मिलकर इसको हासिल कर सकते हैं आज जो 2 दिन की चर्चा हो रही है मुझे लग रहा है कि जो हमारे साथी डेलीगेट्स बात कर रहे हैं चाहे दक्षिण सिक्किम में हों चाहे उत्तर प्रदेश सब लोग चाहते हैं कि बदलाव और कांग्रेस एक नेक्स्ट रूप में जनता के सामने हम प्रस्तुत उसको कर सकें इस दिशा में सब लोग करने के लिए तैयार हैं एक कमिटमेंट है और इस शिविर से मुझे लगता है कि आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी लेकर आई चिंतन मंथन परिवर्तन की बात की जा रही चिंतन मंथन परिवर्तन की बात की जा रही है किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है चाह कि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इशूज़ पे हमारा मैसेजिंग क्या है हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं उस पर गहन चर्चा हो रही है कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में मैसेजिंग में युवाओं के लिए SC ST OBC जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट हो और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी उसके बाद हम सकते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात होती थी लेकिन वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात होती थी 2022 में आत्महत्या कर रहे हैं 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया इतने लोगों का नुकसान हुआ उनके किसानों को आतंकी बोला गया उनको नक्सलाइट बोला गया और उनके लिए इतने आंसू झूठा आंसू नहीं बहाया अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे यहाँ के हमको तो उसके चले गए फिर किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हमने आज तक क्षमा नहीं मांगी तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है कौन उनके विरोध की बात करता है कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं फिर दूसरा पर लोकसभा चुनाव है